दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप इसको यहाँ से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब स्कैन पर। दोस्तों आज 11 मई 2019 शनिवार की एक बार फिर से हम आपके लिए 10 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, किसी भी राज्य से आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हो। मेल या फीमेल बोथ कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एनएचएम के अंतर्गत भी बम्पर भर्तियां निकली है, रेलवे में भी सीधी बड़ी भर्ती निकली है। कुछ भर्तियां इनमें बिना एग्जाम के होने वाली है और बिना इंटरव्यू के, और कुछ भर्तियों के लिए आपको आवेदन शुल्क भी जमा नहीं करना होगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किन विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप इनकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, क्या इन भर्तियों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप वाइज पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग 10 ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत भर्तियाँ निकली है। फर्स्ट नंबर की जो जॉब निकली है वो निकली है नेशनल हेल्थ मिशन में। NRHM में भर्ती निकली है, पोस्ट है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की। 6000 यहाँ पर खाली पद है। सैलरी 20,000 से 35,000 पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। BSc नर्सिंग और डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा मैक्सिमम 35 वर्ष है। आयु की गणना 7 मई 2019 से की जाएगी। उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है, इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। प्लस आवेदन शुल्क भी आपको इस भर्ती के लिए जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन की वही बात की जाए तो 6 महीने का सर्टिफिकेट होना चाहिए कम्युनिटी हेल्थ में, इसके आधार पर आपका इसमें चयन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो upnrhm.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 9 मई 2019 थी और लास्ट डेट 23 मई 2019 है। नोटिफिकेशन की बात की जाए तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसकी नोटिफिकेशन की PDF ओपन हो जाएगी। upnrhm.gov.in या फिर sams.co.in, इस पोर्टल से आप इसकी बाकी की जानकारी या फिर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो पोजीशन कोड फर्स्ट है इसके लिए 2,805 वैकेंसीज है, और जो कोड सेकंड है उसके लिए 3,195 पद खाली है। जो फर्स्ट है जुलाई 2019 सीजन के लिए है, जो सेकंड है जनवरी 2020 सीजन के लिए है। ऑनलाइन आवेदन 9 मई से 23 मई तक यहां पर चल रहे हैं। साथ साथ यहां पर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो इस पोस्ट के लिए, सभी जानकारी दी गई है। सैलरी 20,000 से 35,000, जो बाकी की जानकारी है सब आपको इसी PDF के अंतर्गत मिल जाएगी। नेशनल हेल्थ मिशन ने एक बार फिर से नया नोटिस जारी किया है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है सेंट्रल रेलवे में। रेलवे के अंतर्गत ये भर्ती निकली है डायलिसिस टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, ऑडियोलॉजिस्ट कम स्पीच थेरेपिस्ट के 42 पद यहाँ पर खाली है। सैलरी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। इस भर्ती के लिए BSc और डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 33, 20 से 33 और 20 से 40 वर्ष है। अलग अलग पोस्ट के लिए आयु की गणना 1 मई 2019 से की जाएगी। मुंबई जॉब लोकेशन है, इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। प्लस आवेदन शुल्क भी आपको जमा नहीं करना होगा और ना ही कोई एग्जाम देना होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू से इसमें आपका सीधा चयन किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो cr.indianrailways.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इससे आप इसकी बाकी की जानकारी चेक कर सकते हो। इस भर्ती के लिए आपको डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करना होगा 27 से 29 मई 2019 के बीच में। जी हाँ दोस्तों, डेट यहाँ पर पूरी घोषित कर दी गई है। साथ ही साथ इसका नोटिफिकेशन और साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इसके नोटिफिकेशन के अंतर्गत ही मिल जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू फॉर पारा मेडिकल कैटेगरीज की भर्ती है। यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू आप चेक कर सकते हो 27 मई 28 मई और 29 मई को। आपको सुबह 10 से यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करना होगा। पोस्ट की बात की जाए तो अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर टाइम दिया गया है, जैसे कि डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए 27 मई को आपको वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करना होगा, स्टाफ नर्स के लिए 28 को और ऑडियोलॉजिस्ट कम स्पीच थेरेपिस्ट को 29 मई को आपको यहाँ पर इंटरव्यू अटेंड करना होगा। जी हाँ दोस्तों, एड्रेस यहाँ पर दिया गया है रिक्रूटमेंट सेक्शन के लिए, पूरा यहाँ पर एड्रेस दिया गया है जिस वेन्यू पर आपको वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करना होगा, वो आप यहाँ से सिंपली चेक कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पर जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो वैकेंसी की जानकारी भी आपको कैटेगरी वाइज दी गई है। साथ साथ यहाँ पर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और सैलरी यहाँ पर आप देख सकते हो रेलवे रूल के हिसाब से प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर आयु में छूट भी दी गई है, जैसे कि 5 साल के SC ST के लिए,
तीन साल की ओबीसी के लिए है। और साथ साथ यहाँ पर आप और भी जानकारी दी गई जो आप सिंपली यहाँ से रीड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आप ये पूरी पीडीएफ रीड कर सकते हो। इसी के अंतर्गत एंड में आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्मेट का भी स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसको भरने के बाद में आपको वॉक इन इंटरव्यू के टाइम में अपने साथ में ले जाना होगा। तो दोस्तों, यदि सेकंड भर्ती की पूरी जानकारी जो कि रेलवे के अंतर्गत थी, उसके बाद जो थर्ड नंबर की जॉब निकली है वो निकली है मिश्र धातु निगम लिमिटेड में। पोस्ट है इसमें असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजमेंट ट्रेनी और डिप्टी मैनेजर की। 15 यहाँ पर खाली पद है। सैलरी असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए 40,000 है, डिप्टी मैनेजर के लिए 50,000 पर मंथ के लिए। ग्रेजुएट बीबीटेक एमबीए एमएम टेक और डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा असिस्टेंट मैनेजर मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए 30 वर्ष मैक्सिमम है, डिप्टी मैनेजर के लिए 35 वर्ष है। आयु की गणना 8 मई 2019 से की जाएगी। हैदराबाद तेलंगाना जॉब लोकेशन है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। प्लस आवेदन शुल्क भी आपको जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। midhani-india.in ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, इससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जो कि 8 मई से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 10 जून 2019 है। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन की बात की जाए तो आप यहीं से लिंक दिया गया है, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हो। यहीं पर अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर सैलरी की जानकारी पूरी दी गई है, आयु सीमा क्या रहने वाली है, क्या आपको इसमें यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है वो आप पूरा यहाँ से पूरा चेक कर सकते हो। एक्सपीरियंस में साथ में यहाँ पर पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जनरल कंडीशंस दिए गए हैं और हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर पूरा दिया गया है, जिसकी मदद से आप सिंपली इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ साथ अप्लाई का लिंक भी वहाँ पर दिया गया है, इस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। 8 मई से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस में। पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, साइकेट्रिक सोशल वर्कर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी, टेक्निकल असिस्टेंट और सोशल वर्कर की। 28 खाली पद है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 30,000 रुपये पर मंथ के लिए सैलरी है। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए 65,000 है, ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के लिए 60,000 है। सेक्रेटरी सोशल वर्कर और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए 35,400 है। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए 35,000 पर मंथ के लिए है। डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी के लिए 25,000 है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 24,000, सोशल वर्कर के लिए 23,000 सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। एमएमएससी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एमबीबीएस पीएचडी अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम आयु सीमा 30, 35, 40 और 45 वर्ष है। अलग अलग पोस्ट के लिए आप नोटिस से चेक कर सकते हो। आयु की गणना 1 जुलाई 1998 से की जाएगी। बेंगलुरु कर्नाटका जॉब लोकेशन है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। जनरल या ओबीसी कैटेगरी के लिए 590 रुपये आवेदन शुल्क है। एससी एसटी के लिए 295 है, जो कि आप ऑनलाइन ही जमा करा सकते हो। सिलेक्शन भी बिना एग्जाम के डायरेक्ट इंटरव्यू से किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। nimhans.ac.in ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, जिससे आप इसका आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 25 मई 2019 है। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डायरेक्ट दिया गया है। यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या सैलरी आपको मिलने वाली है सब आपको इस पीडीएफ के अंतर्गत दिया गया है। साथ साथ टर्म एंड कंडीशंस भी यहाँ पर दिए गए हैं, जिनको फॉलो करने के बाद आप सिंपली फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म का स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दिया गया है। इसको आपको पूरा फिलअप करने के बाद में जो एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, इस एड्रेस पर आपको लास्ट डेट से पहले सेंड करना होगा। फीस की बात की जाए तो फीस भी आप यहाँ से सिंपली चेक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस में। पोस्ट है असिस्टेंट रेसिडेंट इंजीनियर की। वेरियस पद यहाँ पर खाली है। सैलरी 70,000 से 2,00,000 पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। डिप्लोमा बीबीटेक अप्लाई कर सकते हैं। 55 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। आयु की गणना 1 मई 2019 से की जाएगी। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, कोई भी आवेदन शुल्क आपको जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन भी बिना एग्जाम के डायरेक्ट इंटरव्यू से किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। rites.com ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, इसी से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जो कि 7 मई से स्टार्ट है। लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने की 28 मई 2019 है। इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म की हार्ड कॉपी भी सेंड करनी होगी, उसकी लास्ट डेट 4 जून 2019 है। नोटिफिकेशन आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो यहां पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप नोटिस के अंतर्गत से चेक कर सकते हो, क्या इसमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रहने वाला है और साथ साथ सैलरी आपको क्या इसमें मिलने वाली है। पूरी डिटेल्स आपको इस पीडीएफ के अंतर्गत मिल जाएगी और साथ साथ अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए भी इंस्ट्रक्शंस यहां पर दिए गए हैं,
जिनकी हेल्प से आप सिंपली इस भर्ती के लिए लास्ट डेट से पहले पहले ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन का लिंक भी यहीं पर दिया गया है। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद में सिंपली फॉर्म सबमिट कर सकते हो। और साथ साथ दोस्तों, जो नेक्स्ट नंबर की जॉब निकली है 6 नंबर पर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया सेंटर में निकली है, CRC एग्जीक्यूटिव के यहाँ पर 50 पद खाली है। सैलरी 33,000 से 40,000 पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। CS या ICS से अप्लाई कर सकते हैं। 32 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। आयु की गणना 1 मई 2019 से की जाएगी। गुड़गांव हरियाणा जॉब लोकेशन है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। प्लस आवेदन शुल्क भी आपको जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन भी बिना एग्जाम के डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ICSI.edu.us का ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जो कि स्टार्ट है 8 मई 2019 से। लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने की 24 मई 2019 है। नोटिफिकेशन की बात की जाए तो आप इस लिंक पर क्लिक करके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अंतर्गत आपको इस भर्ती से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट वाइज यहाँ पर क्या आपको सैलरी मिलने वाली है, क्या आयु सीमा आपकी रहने वाली है और क्या यहाँ पर पोस्ट की पूरी जानकारी दी गई है। जॉब के बारे में पूरी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई, जो आप सिंपली यहीं से रीड कर सकते हो। साथ साथ अप्लाई करने के लिए भी यहाँ पर लिंक दिया गया है। जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है, उसी के सामने लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली लास्ट डेट से पहले पहले अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर पर जॉब निकली है, 7 नंबर की जॉब है कैन फिन होम्स लिमिटेड के अंतर्गत। कल भी हमने एक भर्ती इसके लिए अपलोड की थी जो दूसरे पोस्ट के लिए थी। ये यहाँ पर मैनेजर पोस्ट के लिए है। 30 वैकेंसी यहाँ पर निकली है। 28,000 से 43,450 पर मंथ के लिए सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। इस भर्ती के लिए ग्रेजुएट डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। 25 से 35 वर्ष आयु सीमा है। आयु की गणना 1 जून 2019 से की जाएगी। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। ऑल कैंडिडेट्स के लिए ₹100 आवेदन शुल्क है, जो कि आप ऑनलाइन ट्रांसफर या इंटरनेट बैंकिंग या फिर NEFT या फिर RTGS से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू या फिर इंटरव्यू के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। canfinhomes.com ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 8 मई 2019 थी और लास्ट डेट 18 मई 2019 है। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हो। डिटेल्स में पूरी जानकारी दी गई है। ऑनलाइन करने के लिए लिंक यहाँ पर भी डायरेक्ट दिया गया है, जिसकी मदद से आप सिंपली ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या रहने वाला है, कैसे फीस पेमेंट कर सकते हो, कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हो, सभी गाइडलाइंस आपको यहाँ पर दी गई है। आप 18 मई से पहले पहले इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म सिंपली सबमिट कर सकते हो। यहाँ से भी आप डायरेक्टली इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। मैनेजर का यहाँ पर लिंक दिया गया है, उसके बाद आपको यहाँ पर पूरी डिटेल्स फिलअप करनी होगी। उसके बाद सबमिट करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो 8 नंबर पर जॉब निकली है, वो निकली है पब्लिक सर्विस कमीशन में। जी हाँ दोस्तों, लोक सेवा आयोग के अंतर्गत असिस्टेंट के 51 पद खाली है। सैलरी आप इस पोस्ट के लिए नोटिस से चेक कर सकते हो। बैचलर यानी कि ग्रेजुएट डिग्री होल्डर इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु की बात की जाए तो PSC रूल के हिसाब से तय की जाएगी। बिहार जॉब लोकेशन है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। जनरल या ऑल अदर्स कैटेगरी के लिए ₹750 आवेदन शुल्क है। यहाँ पर आप देख सकते हो, जो ऑल अदर है इनसे जनरल OBC SC ST PWD जो बिहार स्टेट के हैं उनके लिए ₹200 है। मेन एग्जाम के माध्यम से चयन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। bpsc.bih.nic.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती के लिए 9 मई से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है। आप इस भर्ती के लिए 21 मई 2019 तक डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 15 मई 2019 है। इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म की हार्ड कॉपी भी सेंड करनी होगी, उसकी लास्ट डेट 30 मई 2019 है। शाम 5 बजे तक आप हार्ड कॉपी सबमिट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहाँ पर डायरेक्ट दिया गया है। जैसे आप एडवर्टाइजमेंट के लिंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसकी नोटिफिकेशन की PDF हिंदी में पूरी डाउनलोड हो जाएगी, जिसको आप पूरा रीड कर सकते हो अप्लाई करने से पहले। और साथ साथ अप्लाई ऑनलाइन के लिए लिंक यहाँ पर भी दिया गया है। इस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो नेक्स्ट जॉब निकली है 9th नंबर पर, वो निकली है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में। स्वास्थ्य विभाग में एक और भर्ती निकली है। स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए 264 पद खाली है। सैलरी 10,300 से 34,800 है पर मंथ के लिए। 12th GNM या BSc अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 45 वर्ष है। हिमाचल प्रदेश जॉब लोकेशन है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। आवेदन शुल्क की जानकारी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू के माध्यम से। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। हिमाचल.NIC.in ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप इसका आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो।
स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने की 15 मई 2019 है और लास्ट डेट 31 मई 2019 है। इस लिंक पर क्लिक करके आप इस पोर्टल से इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। हेल्थ डिपार्टमेंट की ऑफिशियल पोर्टल है हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत, जो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 10th और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में। जी हाँ दोस्तों, कंसल्टेंट के यहाँ पर 30 पद खाली है। सैलरी 18,400 से 35,700 है। वर्किंग एक्सपीरियंस पर्सनल सेक्रेटरी या पर्सनल असिस्टेंट का होना चाहिए तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 58 से 62 वर्ष आयु सीमा है। न्यू दिल्ली जॉब लोकेशन है इंडिया में। आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। प्लस आवेदन शुल्क भी आपको इस भर्ती के लिए जमा नहीं करना होगा, ना ही कोई एग्जाम देना होगा। डायरेक्ट इंटरव्यू से इसमें आपका चयन किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। dailymetrorail.com ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप इसका आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 31 मई 2019 है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ का लिंक यहाँ पर दिया गया है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो इसकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ ओपन हो जाएगी, जिसके अंतर्गत आपको इस भर्ती से रिलेटेड पूरी जानकारी दी गई है, जो आप सिंपली यहाँ से रीड कर सकते हो। सैलरी भी अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर दी गई है और साथ साथ यहीं पर आपको इसी पीडीएफ के अंतर्गत एड्रेस दिया गया है, जिस एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद में सेंड करना होगा 31 मई 2019 से पहले पहले, वो यहाँ पर दिया गया है। और साथ साथ इसी फॉर्मेट के अंतर्गत दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया है, जिसको आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हो या फिर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और पूरा फिलअप करने के बाद में ऑफिशियल एड्रेस पर लास्ट डेट से पहले पहले सेंड कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की 10 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अभी इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप इंसिन की नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और जिस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा उसी के साथ में आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, और जिस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा उसी के नीचे आपको डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा। आप सिंपली ऐसे किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।